हम आए हैं, ये मोहम्मद गौस का मकबरा है। मोहम्मद गौस जो थे अकबर से धार्मिक गुरु थे, अफगानिस्तान से एक सूफी संत थे और यहाँ पर तानसेन का उनको गुरु भी माना जाता है। बाकी तानसेन के बारे में मानते हैं, उनका जन्म बेहट गाँव में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन का पुराना नाम तनु मिश्र और कई किताबों में तनु पांडे और उनके फादर का नाम मकरंद पांडे करके भी है। तो वो हिंदू धर्म में जन्म हुआ था और उसके बाद उन्होंने अकबर की कजन सिस्टर से शादी किया था, मानते कि एक मुस्लिम लड़की थी, उसकी नाम तानारी करके रहा है, उसकी वजह से इनको मियाँ तानसेन की उपाधि मिली। तो तानसेन जो है, इनके बचपन के जो गुरु थे वो हरिदास रहा करते थे। तो तानसेन अच्छे संगीत करते थे, बाद में ये कन्वर्ट हुए, इसलिए उनको मरने के बाद उनका यहाँ मकबरा है जबकि समाधि नहीं है। तो तानसेन को अपना एक बेटा भी हुआ है, उसका नाम बिलास खान रखा है। बिलास खान जो है जहांगीर के दरबार में संगीतकार था, जिसके नाम से बिलास खान तोड़ी एक राय। तानसेन के बारे में ऐसा भी मानते हैं कि तानसेन के समाधि के पास एक पुराना इमली का पेड़ था, जो अब नहीं है, नया पेड़ लगाया है। तो तानसेन जब गाते थे, गाते गाते कभी उनका गला ख़राब होता था तो उस इमली की पट्टियाँ खा लेते, उनकी आवाज़ और मीठी होती थी। तो ऐसा करके वहाँ बोर्ड पर लिखा है कि जो पुराना पेड़ है वो तो है ही नहीं, लेकिन नया पेड़ जो है लोग वो बोर्ड पढ़ते हैं तो उसकी पत्तियाँ जरूर खाते हैं। तो लगभग जहाँ तक हमारा हाथ जाता है वहाँ पत्तियाँ उसमें नहीं बची नहीं है, हाँ, कि सारी पत्तियाँ लोग खा गए हैं। तो यहाँ पर और भी काफ़ी छोटे बड़े मकबरे हैं, जैसा मानते हैं कि अकबर शासनकाल में ये पूरा एरिया थोड़ा कब्रिस्तान टाइप का, तो काफ़ी सारे यहाँ मकबरे और भी हैं। इस मकबरे की एक विशेषता ये है कि इसके अंदर जो जाली वर्क है वो बड़ा सुंदर है। तो आप यहाँ पे देखें या फतेहपुर सीकरी में, ये दो जगह जाली वर्क बड़ा अच्छा बनाया गया है। तो अब हम सभी तानसेन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद गौस के पूरे दोनों थे आदमियों के लिए, मर्दों के लिए तो उन्होंने ये मस्जिद की तामीर करवा दी थी जी, जी जी, पर महिलाओं के लिए जी मोहम्मद गौस ने एक जनानी मस्जिद, इसका नाम जनानी मस्जिद है, एनक्रोचमेंट है इसके ऊपर। तो कौन हाँ देर नो वे तो वो नहीं है, आस पास देख सकते हैं नहीं, बस यहीं से देखते जी दोस्तों। तो ये जनानी मस्जिद है और ये एक इंडिया, पूरे इंडिया में यूनिक चीज़ है जी जी, औरतों के लिए नवाज अलग से मस्जिद है जी जी जी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी, एंकर उसमें कटा के उसको भी फेंसिंग करेंगे। इंगेजमेंट क्या चला रहे हैं मेरे फैमिली से फैमिली फैमिली पैटर्न्स मिलेंगे लेटेस्ट वन के, एक एक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। विदाउट उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, बट एक्यूरेसी आप देखिए उनसे। वो पूरा स्टोन ग्वालियर का ही है, ग्वालियर के आर्टिस्ट ने ही बनाया हुआ है इसको। इसको ग्वालियरी झिलमिली वर्क कहा जाता है, झिलमिली नाम के नाम। Thank you.
मेरे सामने तानसेन का मकबरा है जी, बीच में तानसेन का मजार है, साइड में उनके बेटे जो है बिलास खान उनका है, और ये वो इमली का पेड़ है यहाँ पर वो पत्तियाँ खाते हैं। एक्चुअली पुराना पेड़ तो खत्म हो गया, उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाया है। अच्छा, इमली का वाला पेड़ है? हाँ, इमली ये पुराना पेड़ तो सर खत्म हो गया, दूसरा पेड़ लगाया तो उसका भी देखो सब खाते हैं, सभी को तानसेन क्या ये इमली का पेड़ सर जो पेड़ लिखा है ना बोर्ड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये वाला है, और ये बीच में तानसेन है, साइड में बुला।
पीरियड की वॉल पेंटिंग बहुत कम मिलते हैं, ये ग्वालियर में लकीली ऐसे है। फोटो देखा तो ये वेजिटेबल डाई से बना हुआ, ये इंटैक्ट है वैसे का वैसे अभी तक है। 400 साल पेंटिंग केमिकल्स हमारे कंट्री में 18 सेंचुरी से आए, जब जर्मन ने पिगमेंट बनाना शुरू कर दिया, देन दे एक्सपोर्ट दैट पिगमेंट्स टू ऑल ओवर। और ऐसा माना जाता है कि पूरे मकबरे के ऊपर इस तरह का फाइन कौड़िया चूने का पलस्तर था, तो धूप में जैसे ताजमहल चमचमाता है, ऐसा वाइट चमचमाता रहा था। अभी निकल गया तो उसके ट्रेसेस कहीं कहीं देखने को मिलते हैं।
मोहम्मद गौस साहब जो है इनको सूफी सेंट का भी दर्जा, सूफी थे ये, बस सूफी थे। और इसने कई राजाओं का शासन देखा, इसने बाबर का शासन देखा, हुमायूं का देखा, अकबर का देखा, और उसके बीच में तोमर वंश का शासन देखा, इस्लाम सा शेरशाह सूरी का शासन देखा। मतलब उसने 7-8 हिंदुस्तान के बादशाहों पर बहुत लंबी जिंदगी जिए शासन में। हाउ लॉन्ग डिड ही लिव? पर ही वॉज वेरी फेथफुल टू द मुगल फाउंडेशन, सो ही ऑलवेज हेल्प टू मुगल्स टू कंकर द ग्वालियर फोर्ट। ओके, सो ही बिकम ए राजगुरु, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यू कैन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और जब उनके इंतकाल हुआ, जब मौत हुई उनकी, तो ये मकबरा उनकी याद में अकबर ने बनाया, और उस समय 1 करोड़ दाम इस मकबरे के खर्च के लिए अकबर ने दिए थे अपने अपने खजाने से कि बहुत साफ का मकबरा इससे बना, तो उस समय 1 करोड़ दाम 20 ग्राम का एक कॉपर कॉइन है जो अकबर के टाइम में यूनिट था। अच्छा। जैसे आज एक आज के ज़माने में यूनिट रुपया है, उस ज़माने में दाम यूनिट था। 40 दाम का एक सिल्वर कॉइन हुआ करता था, और 40 सिल्वर और 15 सिल्वर कॉइन का एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था।